पश्चिम चंपारण मझोलिया थाना क्षेत्र के जोकटिया एनएस 727 पर मंगलवार की सुबह दूध लदे पिकअप की टक्कर से एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। बताया गया कि पिकअप वैन ने पहले एक राहगीर को रौंदा, फिर सामने आ रही ऑटो में टक्कर मारी। ऑटो में सवार तीन लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद पिकअप वैन पलट गया। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ एनएच सड़क को जोकटिया चौक पर जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची मझोलिया पुलिस ने आक्रोशितों को समझाने बुझाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गुजरात मीडिया में आपका स्वागत है। कैसे घटना? सुबह मैं चाय पीने के लिए मुतियारी की तरफ से आ रहे थे चौक पे। मजदूर आदमी है, बेलचा भी चलाते हैं, उसी क्रम में अपने रोजगार के लिए आ रहे हैं। चक्कर में पैदल आ रहे थे मुतियारी की तरफ से, इधर से पिकअप भी आ रही थी मुतियारी की तरफ से, तो 25 से उनको उठाकर, शायद ड्राइवर सो रहा होगा, तब संतुल को दिया है, घटनास्थल पर ही मौत हो गई। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद सहीम है, मृतक का नाम मोहम्मद।